आईवी इंडिया न्यूज़ के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। लगातार बिजली कटौती को लेकर सपा के पूर्व मंत्री एसपी यादव की अगुवाही में कई पूर्व विधायकों के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वीर विनय चौराहे से नारेबाजी करते हुए बिजली विभाग का ऑफिस तक जाकर उपजिलाधिकारी व अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि बिजली कटौती से सुधार नहीं किया गया तो हम प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे और अस्पतालों के भी यही हाल है। एक तो ये समस्या है, तो ये या तो ये बतावें ऊर्जा मंत्री झूठ बोल रहे हैं, योगी जी झूठ बोल रहे हैं, वादा के मुताबिक या तो बिजली दें या तो सच्चाई स्वीकार करें। दूसरी बात है, जो हमारे व्यापारी हैं उनको जो लोड के अनुसार उनको पहले नोटिस नहीं दिया जाता है और उनको परेशान किया जा रहा है। तीसरी बात है कि मीटर बदलने में भी पैसा लिया जा रहा है, जबकि एक्सेल से बता दें फ्री मीटर लगता है। या सरकार के द्वारा 20 घंटे तहसील मुख्यालयों पर, 24 घंटे जिला मुख्यालय पर और 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली देने का शेड्यूल तय किया गया है, लेकिन विभाग के पास में विद्युत की अनुपलब्धता के कारण अघोषित विद्युत कटौती जिला मुख्यालय पर 1 घंटे की एवं तहसील और गांव में लगभग 2 घंटे की अघोषित विद्युत कटौती की जाती है।